NTV टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। भोपाल की लड़की के परिवार ने पुलिस स्टेशन में साहिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुणे के साहिल अहमद ने लड़की की फोटो और वीडियो अपने पास रख ली और उससे ब्लैकमेल करने लगा। साहिल क्यूआर कोड भेजकर उससे पैसे वसूल रहा था। आरोपी पुणे में फल का कारोबार करता है। आरोपी किस साल का है जो ताज कॉर्नर नाम से फल का कारोबार करता है। आरोपी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप के जरिए लड़की से जुड़ा और उससे पैसे वसूलता रहा। साहिल शिकायत करता कि बेटी को फोन कर परेशान कर रहा था। उसने वीडियो कॉल कर लड़की के कपड़े उतारे और फिर वीडियो बना लिया। अब वो इस वीडियो को करने की धमकी देकर युवती को ब्लैकमेल कर रहा है। साहिल अक्सर क्यूआर कोड भेजकर लड़की से पैसे ऐंठता था। वीडियो कॉल कर लड़की से हाथ पर ब्लेड मारने को कहता है और अपने रिश्ते से बात करने के लिए मजबूर करता है। लड़की मानसिक रूप से टूट चुकी है। साहिल लड़की की सभी सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रख रहा है। साहिल की प्रताड़ना से मानसिक रूप से टूट चुकी लड़की को उसके परिवार ने योग केंद्र भेज दिया है। वहां भी साहिल ने लड़की को बुलाया और उसके हाथ पर ब्लेड मार दिया। इस घटना से लड़की का परिवार सदमे में और उन्होंने अपनी बेटी को साहिल की प्रताड़ना से मुक्त कराने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुजरात अहमदाबाद से यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। 25 सितंबर 2024 में भोपाल पुलिस स्टेशन में एक फरियादी हमारे पास आ रहा था। ये फरियादी एक छोकरी जो विक्टिम थी एना मदर था और एमनो कहवा हो तो कि जो है कोई एक बार नो कोई मानस एना छोकरी ना जो है न्यूड वीडियो उतारी ने और छोकरी ने ब्लैकमेल करे छे और अमारा थी पैसा नी उगरेणी करे छे। तो पछी આજે ઓર એને પાસે એક ઇન્સ્ટાગ્રામનો એક આઈડી હતો ઓર આ ઇન્સ્ટાગ્રામને આધારે અમે પછી ટ્રેસ કર્યો હતો એમને। આ પછી એને ઇન્સ્ટાગ્રામના આઈડીને ટ્રેસ કરીને એના મોબાઈલ નંબર લઈને એને પુણેથી જે અમે આરોપીને પકડ્યો હતો। આરોપી જે છે આરોપી સાહિલ અહેમદ ઇબ્રાહીમ સતારકર કરીને છે। આ જે આરોપી જે છે આ આરોપી ઇન્સ્ટાગ્રામ અને સોશિયલ મીડિયા બીજા જુદા જુદા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી એ છોકરીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો और पची एनी जे वाचित स्टार्ट थी हती पची छोकरी ने कोई पण संजोगोमां गोवा एने बोलावी हती और त्यां एमने साथे जे जातीय सत्तामणी करी हती। एन पची त्यां एने एनी मदर नुं कहेवानुं छे कि ते एने सिगरेटना डाम आपवाना पची ए तमाम प्रकारनी जे एनाथी जे बळजबरीथी जे पण करावी शके ए कराव्या हता अने तमाम वीडियोग्राफी करी लीधी हती और पची आ वीडियो जे छे आ वीडियो एने पासे हता और आ वीडियो ए छोकरी ने मोकलता था ने छोकरी ने ब्लेकमेल करतो हतो कि मारे साथे संबंध राख नहीं तो पछी ए बधा वीडियो वायरल करी दीशे। पछी ना पण एने एने जोड़े संबंध राखवा माटे उकसेरता था। बाकी जे एनी मदद थी जो है लगभग 90,000 जेवा जे पैसानी उगरेणी पण करी हती जो है और अत्यारे जे जे आरोपी जे छे अमारा कस्टडी मां छे और एना मोबाइल में अगर कोई बीजी कोई छोकरी जोड़े एना कोई एवा प्रकारना संबंध छे तो ए पण तपासवामां आवशे और आ प्रकारना कोई पण संजोगोमां एमां अमे कड़कथी कड़क पगला लई जे पण महिलाओनी सुरक्षा माटे जे पण करी शकाय ए तमाम माटे गुजरात पोलीस अने अहमदाबाद रूरल पोलीस छे कटिबद्ध छे। युवतीना आईडी पासवर्ड सोशल मीडियाना 25 सितंबर 2024 માં ભોપાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદી અમારે પાસે આવ્યા હતા। એ ફરિયાદી એક છોકરી જે વિક્ટિમ હતી એના મધર હતા ઓર એમનું કહેવાનું હતું કે જો એ કોઈ એક બહારનો કોઈ માણસ એના છોકરીના જો એ ન્યૂડ વિડીયો ઉતારીને ઓર છોકરીને બ્લેકમેલ કરે છે ઓર અમારાથી પૈસાની ઉગરેણી કરે છે જો તો પછી આજે ઓર એને પાસે એક ઇન્સ્ટાગ્રામનો એક આઈડી હતો और आ इंस्टाग्राम ने आधार अमे पछी ट्रेस कर्यो हतो एमने। आ पछी एने इंस्टाग्राम ना आईडी ने ट्रेस करीने एना मोबाइल नंबर लईने एने पुणे थी जो अमे आरोपी ने पकड्यो हतो। आरोपी जे छे आरोपी साहिल अहमद इब्राहीम सतारकर करीने छे। आ जे आरोपी जे छे आ आरोपी इंस्टाग्राम अने सोशल मीडिया बीजा जुदा जुदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने माध्यम थी ए छोकरीना संपर्क में आव्यो हतो और पछी एनी जे वातचीत स्टार्ट थई हती પછી છોકરીને કોઈ પણ સંજોગોમાં ગોવા એને બોલાવી હતી ઓર ત્યાં એમને સાથે જે જાતીય સત્તામણી કરી હતી એમ પછી ત્યાં એને એની મધરનું કહેવાનું છે કે તે એને સિગરેટના ડામ આપવાના પછી એ તમામ પ્રકારની જે એનાથી જે બળજબરીથી જે પણ કરાવી શકે એ કરાવ્યા હતા અને તમામ વિડીયોગ્રાફી કરી લીધી હતી ઓર પછી આ વિડીયો જે છે આ વિડીયો એને પાસે હતા ઓર આ વિડીયો એ છોકરીને મોકલતા હતા ને છોકરીને બ્લેકમેલ કરતો હતો કે મારે સાથે સંબંધ રાખ નહીં તો પછી એ બધા વિડીયો વાયરલ કરી દઈશ છે। પછી ના પણ એને એને જોડે સંબંધ રાખવા માટે ઉકસેરતા હતા। બાકી જે
એની મદદથી જો એ લગભગ 90,000 જેવા જે પૈસાની ઉઘરેણી પણ કરી હતી જો એ ઓર અત્યારે જે આરોપી જે છે અમારા કસ્ટડીમાં છે ઓર એના મોબાઈલમાં અગર કોઈ બીજી કોઈ છોકરી જોડે એના કોઈ એવા પ્રકારના સંબંધ છે તો એ પણ તપાસવામાં આવશે ઓર આ પ્રકારના કોઈ પણ સંજોગોમાં એમાં અમે કડકથી કડક પગલાં લઈ જે પણ મહિલાઓની સુરક્ષા માટે જે પણ કરી શકાય એ તમામ માટે ગુજરાત પોલીસ અને અમદાવાદ રૂરલ પોલીસ છે કટિબદ્ધ છે.